कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार यानी 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण का आगाज करने वाले हैं। यूपी के लोनी बॉर्डर से यह यात्रा अंतिम मुकाम के लिए शुरू होगी। पहले चरण में जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो अलग अंदाज में न सिर्फ नजर आए बल्कि बयान भी थोड़े से अलग थे। उन्होंने खुद को ठंड न लगने का राज भी बताया तो ये भी कहा कि अब बीजेपी के अवसान का आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश उसका पहला उदाहरण होगा। यहाँ कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। इस बीच उनकी भारत जोड़ो यात्रा को श्री राम जन्मभूमि सर्वोच्च पुरोहित इस सब के बीच उनकी भारत जोड़ो यात्रा को श्री राम जन्मभूमि के सर्वोच्च पुरोहित सत्येंद्र दास ने अपना आशीर्वाद दिया है। सत्येंद्र दास ने कहा है कि मैं ईमानदारी से आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मिशन के लिए लड़ रहे हैं वो सफल हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लंबी उम्र जिए। पत्र में ये भी कहा गया है कि आप लोगों के हित और उनकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं जिसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम से जाना जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम का आशीर्वाद आप पर निरंतर बना रहे। अब सत्येंद्र दास के इस खत के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। आखिर इसे लेकर जानकार क्या कहते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। जानकारों का कहना है कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक अलग स्नेह मिल रहा है। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि राजनीति में परसेप्शन यानी शख्सियत को लेकर किस तरह की धारणा बनती है ये अहम माना जाता है और जब किसी शख्स को एकदम विपरीत विचारों वाले लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो जाता है तो धारणा बदलती है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्तियों को रखवाना हो या ताला खुलवाना हो या कांग्रेस ने अपने हिंदू वोट बैंक को सहेजने के लिए किया, लेकिन बीजेपी लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुई कि कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करती रही है। लेकिन जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि के सर्वोच्च पुरोहित ने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है, उन्हें खत लिखकर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है, उसकी वजह से बीजेपी के सामने अब मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी को ये समझना होगा कि साधु संत समाज के लिए वो मिलकर चलने का काम करती है। उनमें से संत समाज का एक बड़ा तबका अब राहुल गांधी की विचारधारा को मानने लगा है। श्री राहुल जी एंड जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। और देश को जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन निरामया सर्वे भद्राण पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएँ देते हैं कि आपकी यात्रा आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया।